सैलजा की जनसंदेश यात्रा। कुमारी सैलजा जिंदाबाद। श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। दीपक बाबरिया की चेतावनी। दो गुटों में बटी कांग्रेस का बढ़ता विवाद। कोई बात नहीं, जो यहाँ पर बैठे सब कांग्रेस के हैं और वो भी कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस के खिलाफ बात करेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरदार बनने की लड़ाई में कौन किस पर भारी? ये इस बदलाव की व्यवस्था में आप सब साथ दोगे? बोलो, साथ दोगे? वो भी कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। जब वो कांग्रेस के खिलाफ बात करेंगे तब बोलो, साथ दोगे? हरियाणा में सत्ता के बाहर हुए कांग्रेस को 9 साल हो चुके हैं। जब से कांग्रेस ने सत्ता गंवाई तब से लेकर अब तक कांग्रेस गुटबाजी और धड़ेबंदी से उबर नहीं पाई है। साल 2019 के विधानसभा चुनावों में भी जीत से कुछ दूरी पर बैठी कांग्रेस सिर्फ इसलिए सत्ता हासिल नहीं कर पाई क्योंकि यहां कोई किसी की सुनता नहीं है। 9 साल बीत गए और एक बार फिर विधानसभा चुनाव सिर पर है, मगर हालात जस के तस बने हुए हैं। कल भी किरण सुरजेवाला, सैलजा और हुड्डा एक दूसरे को आंखें दिखाते थे और आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। कई प्रभारी आए और कई गए, मगर सबने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी से तौबा कर ली। मौजूदा प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी सैलजा की कांग्रेस संदेश यात्रा से पहले पत्र के जरिए चेतावनी दी, लेकिन मजाल है हुड्डा खेमे के विरोधियों के सिर पर जूं तक रेंगी हो। बहुत ही जुझारू, ऊर्जावान और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मेरी छोटी बहन, कंधे से कंधा मिलाकर जबान की पक्की, दृढ़ संकल्प वाली और सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर ऊर्जावान नेता अगर है कोई तो वो मेरी छोटी बहन शैलजा कुमारी जी। आज जरूरत है अपने अस्तित्व को बचाने की, आज जरूरत है अपनी आवाज उठाने की, आज जरूरत है राजनीति बदलने की। दीपक बाबरिया के कड़े तेवरों के बावजूद आज हिसार से कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का आगाज किया और साफ कर दिया कि जो डर गया वो समझो मर गया, जो डर गया वो समझो मर गया। तो साथियों, डरना कभी भी नहीं है, संघर्ष से नहीं डरना। दमकेली कुमारी शैलजा ने नहीं बल्कि किरण चौधरी, कांग्रेस के 4 मौजूदा विधायकों, 2 पूर्व मंत्री और 2 कार्यकारी अध्यक्षों ने भी दिखाया, जिन्होंने आज हिसार से हुंकार भरी। अब किसके खिलाफ ये आप तय करें। कुमारी शैलजा की यात्रा में आज सढ़ोरा से विधायक रेणु बाला, नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी, कालका विधायक प्रदीप चौधरी, असंत से विधायक शमशेर गोगी, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन बिश्नोई, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण शामिल हुए। वैसे यात्रा शुरू होने से पहले कुमारी शैलजा ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या जगह हमने जाना है तो अब बस यात्रा शुरू की है, आगाज यहाँ से हुआ है, हिसार की सब्जी मंडी से, और हम पूरे हरियाणा में हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आज और कल हिसार है, उसके बाद भिवानी है और फिर आगे से आगे सभी संसदीय क्षेत्रों में हम करेंगे। किरण जी ने, रणदीप जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि हम ये यात्रा करें, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएं और साथ में जो राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम उस संदेश को पूरे हरियाणा में लोगों तक लेकर जाएंगे। उस पर मैं कुछ कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा, पार्टी का मामला है, कर लेंगे वो, तो उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे हम, प्रेस में नहीं करेंगे। देखो, ईडी तो अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है, क्या लगता क्या है कि मतलब यूज होता है। अच्छा, एक बार बार शैलजा जी बात हो रही थी, किरण जी ने बात की भी डरो मत, डर से आगे निकलो, आपने भी कहा डर के आगे जीत है, ये डर किस तरह का डर है? राहुल जी का नारा है ये, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है, बेशक मीडिया भी है और हर एक को दबाने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का नारा है डरो मत।
राहुल जी के नारे को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बाबरिया और हुड्डा खेमे को आज आंखें दिखाने में किरण चौधरी ने भी शैलजा का पूरा पूरा साथ दिया। वहीं जब किरण चौधरी से पूछा गया कि क्या दीपक बाबरिया शैलजा की यात्रा को रोक पाएंगे, तो किरण ने भी सीधा जवाब दिया, दीपक बाबरिया रोक पाएंगे यात्रा को चिट्ठी से। मैंने आपको कहा कि हम कांग्रेस का काम करने जा रहे हैं, कोई और तो कोई कुछ कर नहीं रहे, कांग्रेस का अपने अपने तरीके से है, और ये जो है हम तीनों ने जो ये तय करा है वो इसलिए करा है कि हम जो है जनता को जोड़े, और जो जनता जो है अलग से रह गई है वो भी जुड़ के आगे बढ़े, और जो है भाजपा का आने वाले समय। तो बाबरे साहब को समझ नहीं आ रही बात। किरण चौधरी ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सभी नेता अपने अपने स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। खैर, आज की रैली में किसी ने सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का नाम तो नहीं लिया, मगर इशारा किसकी तरफ हो रहा है वो जग जाहिर है। खैर, अब शैलजा की यात्रा से मजबूती किसे मिलती है, कांग्रेस को या फिर SRK गुट को, इस बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हिसार से विनोद सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।